इमरान नियाजी ये लंगड़ा बनने की एक्टिंग छोड़ो, क्योंकि लोग अब तुम्हें लंगड़े के कोटे पर भी वजीर आजम नहीं बनाने वाले। कभी कहते हो चार गोलियां लगी, CNN को इंटरव्यू में कहा तीन गोलियां लगी, यास्मीन राशिद ने कहा दो गोलियां लगी, और तुम्हें फर्स्ट एड देने वाले ने कहा कि तुम्हारी सिर्फ बाएं टांग पर हल्की सी खराश आई, और तुम दाएं टांग को पलस्तर चढ़ाकर बैठ गए। तुम्हारी सियासत खत्म हो चुकी है। यहां पर तो कभी किसी को धमकी देते हो, कभी बगैर सबूत के इल्जाम लगाते हो, लेकिन CNN के सबूत मांगने पर तुम्हारी बोलती बंद हो गई। बर्तानिया में एक आम शहरी पर भी बगैर सबूत के इल्जाम लगाकर देखो तो तुम्हारा क्या हशर होता है। अगर इतने ही बहादुर हो तो मैं तुम्हें चैलेंज करती हूं कि जाओ बर्तानिया के फाइनेंशियल टाइम्स पर हत्या की इज्जत का मुकदमा कर दो, जिसने तुम्हारी करप्शन और तुम्हारी भारतीय और इसराइली फंडिंग के सारे पोल खोल दिए, और वो भी सबूत के साथ। वैसे तुम ये सरकारी अस्पताल से ब्लड टेस्ट कराने से क्यों भाग गए? ज्यादा भड़के मत मारा करो, क्योंकि नशेई लोगों का इलाज कराना हमें अच्छी तरह आता है। मेडिको लीगल भी तुमने सरकारी अस्पताल से नहीं करवाया, और अपनी मनपसंद रिपोर्ट शौकत खानम से भिजवा दी। डू यू नो, इट्स लीगली अनएक्सेप्टेबल। अब तुम ये मजलूम बनने के ड्रामे छोड़ो, ये इस्लामिक टच तस्बीह भी छोड़ो, और जमाइमा की फिल्मों में काम करो।